हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी तक आपने कैपिटल अल्फ़ाबेट्स एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखना सीखा था। आज हम आपको दोनों को मिलाकर लिखना बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, ओके। ये आपका कैपिटल ए और ये स्मॉल ए, ठीक है। ये कैपिटल बी और ये स्मॉल बी। ये आपका कैपिटल सी और ये स्मॉल सी। फिर देखिए, ये आपका कैपिटल डी और ये स्मॉल डी, ओके। अब ये आपका कैपिटल ई और ये स्मॉल ई। ये कैपिटल एफ और ये स्मॉल एफ। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से लिखेंगे, ओके। ये कैपिटल जी और ये स्मॉल जी, ओके। और ये आपका कैपिटल एच और ये स्मॉल एच। और इसके बाद कैपिटल आई और ये स्मॉल आई, है ना। और ये कैपिटल जे और ये स्मॉल जे। फिर इसके बाद क्या आता है, कैपिटल के और स्मॉल के, ओके। अब ये कैपिटल एल और ये स्मॉल एल। ये कैपिटल एम और ये स्मॉल एम। ये कैपिटल आपका एन बन गया और ये स्मॉल एन। और इसके बाद ये कैपिटल आपका ओ और ये स्मॉल ओ। ये कैपिटल आपका बन गया पी और ये स्मॉल पी। ये कैपिटल क्यू और ये स्मॉल क्यू। कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। कैपिटल एस आता है ना, और ये स्मॉल एस। ये कैपिटल टी, इसके बाद स्मॉल टी। अब इसके बाद में टी के बाद क्या आता है, कैपिटल यू और फिर ये स्मॉल यू। इसके बाद में कैपिटल वी और ये स्मॉल वी। कैपिटल डब्लू और ये स्मॉल डब्लू। ये कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स। इसके बाद ये है आपका कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। ये कैपिटल जेड और स्मॉल जेड। देखा आपने, आपको इसको लाइन में लिखना है ना। कैसे लिखेंगे लाइन में, और ये है आपका होमवर्क। इसी तरह से जैसे सी डब्ल्यू में लिखा था ना, ऐसे ही आपको होमवर्क में कंप्लीट लाइन में बोल बोल कर लिखना है, ओके। थैंक यू।